अन्ना, जब अरविंद की मांग आपकी मांग एक है, तो आप अपने आप को अरविंद से दूर क्यों करते हैं? नहीं नहीं हमारा तो पहले से उनके पीछे आशीर्वाद है ही है, लेकिन संविधान जो पक्ष और पार्टी का नाम नहीं ले रहा है, इसके कारण मैं संविधान को मानता हूं, इसलिए किसी पक्ष पार्टी का हम सपोर्ट नहीं करते। कल आप चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल आपके अनशन में आए और आपका साथ दें? नहीं, वो स्टेज पर नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, अपने अपने जगह पर कहीं ना कहीं आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो देश का प्रश्न है, समाज का प्रश्न है। क्या तो आपने अरविंद को साथ देने के लिए बुलाया है रालेगंज सिद्धि? नहीं नहीं, वो मैं बोला ना कि पार्टी के लोग हमारे स्टेज पर हम कभी लेते नहीं है, अपने अपने जगह पर करना चाहिए। तो कल आपके साथ और कौन होगा अन्ना? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्या आपके लिए अनशन करना ठीक है? हाँ, एकला चलो रे, पहले से मैं एकला चलो रे के वृत्ति से चल रहा हूँ, और एकला चलो के वृत्ति से चल रहा था, कारवा बनते गया, समाज जुड़ते गया। तो आपको लगता है कि आपको वो सपोर्ट और वो जोश मिलेगा जब आप रालेगंज सिद्धि में अनशन करेंगे, क्योंकि जो जोश आपको दिल्ली में मिला था, जो मुंबई की सभाओं में और उस मूवमेंट में मिला था, कि आपको लगता है कि जनता वहां पर भी इस तरीके से इकट्ठा होगी और सरकार से मांग करेगी? मैं एक बात को तो इनकार नहीं कर सकते, मैं तो बार बार लोगों को कहा कि रालेगंज सिद्धि में भीड़ मत करो, अपने अपने जगह पर आंदोलन करो, अपने गांव में करो, अपने तहसील में करो, अपने जिला में करो, अपने राज्य में करो, रालेगंज सिद्धि में मत आओ, यह भीड़ मत करो, यह मैं सबको और बताया है, तो यहां आने की जरूरत नहीं। लेकिन भीड़ भले ही ना हो, फिर भी 2011 का आंदोलन लोग भूले नहीं है, उसका सबक अभी आपको मिला है, चार राज्यों में कांग्रेस को सबक सिखाया है, वो आंदोलन का प्रभाव है, 2011 का आंदोलन जो हुआ उसका प्रभाव है वो। अन्ना जी, आखिर में यही जानना चाहेंगे कि आप अरविंद केजरीवाल से क्या कहना चाहेंगे, क्या आप उनसे अपील करेंगे कि वो भी यही मांगे रखे, क्या उनको भी अपने स्तर पर ये आंदोलन करना चाहिए, क्या कोई राजनीतिक दल को इससे जुड़ना चाहिए, क्या ये एक ऐसी बड़ी मांग है जिसमें जनता को एकजुट करने के लिए राजनीति से परहेज नहीं करनी होगी? नहीं नहीं, मैं अभी उनको मैं कैसे बता सकता हूँ, उनमें जानकार लोग है, तजुर्बा है, अनुभव है, उन्होंने सोचना है कि आगे के लिए कैसे करना, क्या करना, या आगे के लिए उन्होंने सोचना है, मैं कैसे बता सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अन्ना IBN 7 से बातचीत करने के लिए। कल के लिए आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।